हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहन सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सैरम क्लासेस में। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसका जो लास्ट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये जो पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये डिफरेंशिएशन में पूछा जाता है और इंटीग्रेशन में पूछा जाता है। अब सोचो, पता नहीं मुझे कैसे हमारे CBSE वालों ने ये चैप्टर में जो मेन प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थे वही हटा दिए, बताओ, जिनका पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में भी यूज है, इंटीग्रेशन में भी यूज है। समझ रहे हो, बहुत अच्छे से सीखना। और मैं आपको बता भी दूंगा फटाफट कैसे होता है, कल कोई डिफरेंशिएशन ना आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में कई जगह हम लोग वैल्यू पुट भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगता है। अब सब्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे लगेगा, क्या नजरिया होना चाहिए उसके लिए, कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पुट करेंगे जिससे सॉल्व करने में आसानी रहे। तो बेटा, पहली चीज तो ये है कि मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, वो फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लेना बड़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एग्जीक्यूट करते हैं और फटाफट देखना कैसे क्वेश्चन होगा। मैं वहां पे फिर आपको बताऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूंगा कि ये हम लोगों ने निकाल चुके हैं पहले। ठीक है बच्चों, तो कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। तो पहले नंबर की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों, एक पढ़ा है आप लोगों ने sin 3θ का, पढ़ा है बच्चों। फॉर्मूला क्या था बच्चों, 3 sin θ माइनस का 4 sin³θ। आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत मजा आएगा, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। दूसरा बच्चों, cos 3θ, 4 cos³θ माइनस का 3 cos θ। ठीक है बच्चों, तीसरा फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों मैं आपको, tan 3θ का। तो tan 3θ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan θ माइनस tan³θ अपॉन 1 minus 3 tan²θ। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूले हो गए। बाकी भी उसके बाद चौथे नंबर का बच्चों फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, वो है एक बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos²x का, पढ़ा है, बट मैं आपको देख कर देता हूँ। cos²x का बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था cos² ऐसे बताया था, यहाँ पर देखो बच्चों, cos² का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था cos²x माइनस का sin²x, ये पढ़ा था। ये वाला एंगल बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हाफ हो जाता है, कल को 4 हुआ तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। मैंने cos x लिखा है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जानते थे बच्चों इसके दो फॉर्मूले और निकलते थे, दो क्या तीन होते हैं वैसे तो, एक फॉर्मूला निकलता था बच्चों 2 cos²x - 1, एक फॉर्मूला बच्चों निकलता था cos²x का 1 - 2 sin²x निकलता था, और एक cos²x का फॉर्मूला आप जानते ही, 1 - tan²x अपॉन 1 + tan²x। जितनी जल्दी इन फॉर्मूले को याद कर लोगे ना, हजम कर लोगे, उतने ज्यादा अच्छा आपका पाचन तंत्र रहेगा, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और बाकी सब में भी। तो बच्चों अगर मैं ऐसे ही को बेसिस लेके मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं cos x को यूज करूंगा वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हाफ हुआ था बच्चों, तो इसके हिसाब से cos x का जो फॉर्मूला आना चाहिए वो क्या आएगा, cos² एंगल हाफ हो गया माइनस का sin² एंगल हाफ हो गया। एक फॉर्मूला बच्चों ये निकल के आएगा, एक फॉर्मूला और बच्चों निकल के क्या आना चाहिए था, एक फॉर्मूला ये निकल के आएगा बच्चों दूसरा वाला cos x। मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा अभी, यहाँ रखते बच्चों तो ये आता है 2 cos²(x/2 - 1), तो बेटा मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1 + cos x बच्चों कितना होगा, 2 cos²(x/2), ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो याद रखने है, ऐसे बच्चों 1 + cos x का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, 2 cos²(x/2), बस ये याद रखना, जो एंगल यहाँ दे रखा वो हाफ हो जाएगा। कल को एंगल 4 हो जाए तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2x, कल को 2x होगा तो क्या हो जाएगा, x। अब एक को याद करके चलो, आइदर cos x वाला कर लो या cos² वाला कर लो, जो आपकी इच्छा हो वो कर लो, मैं तो कहता हूं कि cos x वाला कर लो, इसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। ऐसे बच्चों यहां पर साइन वाले को देखेंगे तो वहां से एक रिजल्ट निकलता है बच्चों, वो क्या निकलता है कि 1 - cos x बराबर होता है बच्चों 2 sin²(x/2), ठीक है बच्चों। और इसमें अगर cos x वाला तीसरा देखोगे, चौथा, 1 - tan²(x/2) अपौन 1 + tan²(x/2), ठीक है बच्चों, ये सब फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों, नोट डाउन। फॉर्मूले कंटेस्ट कर लो, भले ही आप सोचो बोलता कोई याद ही नहीं हो रहा मुझे, अरे तुम यार एक पर्चा चिपका लो कहीं पे भी दीवार पे, ज्यादा समय सिर्फ देखते जाओ, नजर मारते हुए चले जाओ बस, और कुछ नहीं है। एक बार हल्का सा गुनगुना लोगे ना तो ये गीत लंबे समय तक याद रहेगा आपको, ठीक है बच्चों।
कॉसेक्स आप सुन रहे हो बहुत कंजस तरीके से, कोई नींद नहीं पूछ ले आपको जाके कॉसेक्स, तो फटाफट बोल दो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ज्यादा और जगोर से तो पर्टिकुलर यही बोल दो वन प्लस कॉसेक्स कितना होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन माइनस कॉसेक्स कितना होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड कॉसेक्स बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, ये याद कर लो, वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे, जब यहाँ पे टू होगा तो हाफ करते चलो, बोलो कोई दिक्कत अच्छो किसी को भी, अगर मैं इसको नोट इट डाउन। इसके बाद बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसके बाद का फॉर्मूला हम लोगों ने बच्चों साइन टू एक्स साइन पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टू साइन एक्स कॉस एक्स, वो ये हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, ये एंगल क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर कल को बच्चों यहाँ साइन एक्स लिख दूं बच्चों तो कितना हो जाएगा टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, लीजिए इसको याद कर लीजिएगा कि साइन एक्स बराबर कितना होता है बच्चों, साइन एक्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, और साइन का बेटा दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता है साइन एक्स का, टू टेन एक्स वाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। बट जो बता रहा हूँ इनका सबसे ज्यादा यूज होगा, इसका हुआ इसका हुआ इसका हुआ, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो ये बिल्कुल दिमाग में अंदर क्या बच्चे बैठे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो साइन टू एक्स समझना, अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए टू एक्स हो जाएगा तो एक्स और एक्स हो जाएगा, कल को फोर एक्स हो जाएगा तो टू एक्स टू एक्स हो जाएगा, जो एंगल दे रखा उसका हाफ हो जाना है, बस बात करो। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलिए और चीजें बता दो, ये सब कॉपी भी लिख लेना, तो उसके बाद जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना फटाफट चुटकियों में होंगे, तुम बोलोगे भाई सर चल कह रहा है सर ये, बशर्ते कंडीशन ये है ये सब फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए रेडी हुए होने चाहिए अच्छी तरीके से, तब जाके आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज और बता दूं, जिस कंडीशन को हम लोग आगे यूज करेंगे वो कंडीशन क्या है बच्चों, वो कंडीशन बच्ची है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है टेंथ इलेवेंथ में टेन ए माइनस बी का बच्चों, या ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। जब भी मैं फॉर्मूला देखता हूँ ना तो वीडियो को पॉज करके खुद पहले गुनगुनाया करो, समझे, फिर देखा करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई साहब आपके औजार ही अच्छे नहीं होंगे तो लड़ाई क्या लड़ोगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आगे के क्वेश्चन कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सब चीजें यही रिपीट होंगी वहां पर, सोच रहे हो, ये नहीं कि सीबीएसई ने हटा दिया लो भाई साहब खुशी की लहर दौड़ गई, सोच रहे हो, सीबीएसई खुद नहीं पता क्या क्या हटा रहे क्या नहीं हटा रहे। ठीक है, टेन ए प्लस बी का अच्छा फॉर्मूला होता है, अब देखो बच्चों अगर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, बड़े ध्यान से सुनो यार बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये बहुत आएगी, मैं फटाफट डायरेक्ट लिखूँ वहां पर, अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूँ तो ए एंगल हो गया पाई बाय फोर, तो टेन पाई बाय फोर प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी से यस कर लो, अगर बच्चों मैं इसको और सॉल्व करूँ तो टेन पाई बाय फोर होता है फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव की बच्चों वैल्यू कितनी होती है वन, तो वन प्लस टेन थीटा अपॉन टेन बाई फोर की अच्छा वैल्यू वन, वन इंटू टेन थीटा दे दो। ठीक है, अगर बच्चों कल को यहां पर टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा आ जाता बच्चों तो क्या करते हैं, बोले सर करना क्या है फॉर्मूला जो यहाँ पे ए प्लस बी का लगा हुआ था ए माइनस बी का लग जाएगा, ये तो बोलोगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी बच्चों, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू बच्चों कितनी होती है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, अभी हो सकता है थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हो रही हो आप लोगों को ये फॉर्मूले करवा रहे हो सर ये फिर से, अरे नहीं जब क्वेश्चन करेंगे ना चुटकियों में सवाल होंगे तुम देखना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये बच्चों आपको क्या करना है, कल को आपको ये पोर्शन दिया जाएगा आप इसको कन्वर्ट करोगे इसमें। ठीक है, आपको ये दे रखी होगा वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे नहीं, आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिखोगे कि ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है वो किसका आइडेंटिटी का है टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का है, गॉट इट, इसको नोट कर लीजिए फटाफट अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो,
मैं आ जाता हूँ, क्रॉप करते ना और क्या करोगे, क्यों? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको कंटेस्ट क्या करना है, इसको मैं इतना पूछा कर रहा हूँ थोड़ी सी यहाँ पर चलो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है ना, क्वेश्चन तो आपका वैसे चुटकी में होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे बच्चों, कभी आपके पास ये आइडेंटिटी बने, फॉर्मूला बन रहा हो 1 + tan θ / 1 - tan θ, आप कुछ नहीं करोगे, tan पाई बाय 4 प्लस दे रखा है ऊपर तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। कल को अगर उल्टा दे दिया बच्चों, 1 - tan θ / 1 + tan θ, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा श्वेता, टेन ऊपर क्या है बच्चों माइनस, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा। कोई दिक्कत बोलो बच्चों किसी को भी नहीं है, ठीक है कर लोगे? मैं कल क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर बहराते उठते ना अगर पटना, ये सर क्या कर दिया आपने, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है यहाँ से, मैं आपको प्रूफ करा ही चुका हूँ बच्चों इसका, ठीक है? तो बच्चा क्या होता है आजकल गर्मी बढ़ गई फिर से, ठीक है हटा दो उसको। देखो बच्चों सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कब कहाँ किसकी कैसे क्या जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है? इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा और कौन सा बच्चों रह गया हमारा, हाँ भाई ये वाला और फॉर्मूला देख लो भी। अब जो देखो यार, साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर बच्चों अगर मैं कर दूंगा, आप मुझे बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, ठीक है? आप बचपन से जानते हो बच्चों ये आइडेंटिटी, हर भी जानता बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है 1, ये दोनों थीटा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, भले थीटा की जगह एक्स लिखाओ, टू एक्स लिखाओ, एक्स वाई टू लिखाओ, कुछ भी लिखाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर होना चाहिए, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होगा, तो हमेशा अंतर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों दंड कितना मिलकर दे देंगे आपको 1, और मैंने अभी आपको बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों साइन एक्स का कितना होता है बच्चों, बोलो आयुष बाबू, 2 sin x/2 cos x/2, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा नहीं तो आइडेंटिटी याद नहीं होगी, फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो 2 sin x/2 cos x/2 बच्चों ये देखा है, इसकी जगह लिख सकता हूँ बच्चों, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे साइन एक्स, बोलो हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ cos x/2 + sin x/2, उसको लिखने का पर्पज है मेरा, cos को मैंने पहले लिखा है, ठीक है? तो यहां पर अगर बेटा मैं इसको स्क्वायर पर डालूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो cos x/2 + sin x/2 बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 1 + sin x, ठीक है? तो बोलो सर आप बताना क्या चाह रहे हो, उसमें बताएंगे बताएंगे बिल्कुल बताएंगे भाई, अभी क्वेश्चन आएंगे सब बताएंगे। तो बेटा यहां से एक आइडेंटिटी निकलती है, वो आइडेंटिटी ये है जो आपको याद रखनी है कि अंडर रूट के अंदर 1 + sin x आ जाए तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर, या 1 + sin θ आ जाए तो आप इसको लिखोगे cos x/2 + sin x/2, यानी कि इसको रिजॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है। और कल को बच्चों अंडर रूट के अंदर 1 - sin x आ जाए तो ये फॉर्मूला आता है बच्चों cos x/2 - sin x/2, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत? तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों चालू करेंगे, और कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, सही है? कई बार प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते वक्त उनको देखा जाता है, तो अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं लिखा भी देता हूँ, कोई रखना चाहता है रट भी सकता है उसको, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज करेंगे इनको, और ये सब डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा बेटा, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है डिफरेंशिएशन में यूज, हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन भी जानता है, हल्का क्या जानता है बच्चा भारी जानता है क्योंकि लगभग पढ़ चुका है डेरिवेटिव। इसके बाद इस पर एक चीज देखो बच्चों, आप लोग यहाँ जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों होता है, इसको बेटा अगर मैं उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 1 - sin स्क्वायर, ठीक है?
अगर मैं बच्चों यहाँ से cos को ले जाता तो यहाँ कितना रहता है बच्चों sin square, तो 1 minus cos square theta बराबर कितना होता है बच्चों sin square, 1 minus sin square बच्चों कितना होता है cos square, ठीक है। दूसरे पहले नंबर की हो गया आइडेंटिटी, दूसरे नंबर की बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर यही बात कर लेता हूँ ऊपर ऊपर, दूसरे नंबर की आप आइडेंटिटी जानते हो बच्चों की 1 plus tan square theta बराबर कितना होता है बच्चों sec square theta होता है। ऐसे बच्चों आप लोग ये भी जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपको प्रॉपर टेंशन नहीं होगी कि किसकी जगह क्या पुट करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ चलो ये भी मैंने लिख दिया, अगर बच्चों मैं 1 को उधर लेके जाता तो फॉर्मूला क्या होता बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बच्चों इसमें 1 को लेके जाता तो क्या बनता cot square theta बराबर बनता बच्चों cosec square theta minus 1, ठीक है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो purpose दिखाया था, तो बेटा मैंने यहाँ पे देखा कि 1 के साथ minus में 1 minus, अगर इस पूरे को अगर एक तरीके से मैं x मान के चलूँ कल को मान लूँ 1 minus x square, ये बच्चों condition क्या बनती है 1 minus x square, यहाँ अगर condition को देख के चलूँ तो बच्चों ये condition बनती है 1 plus x square, ये भी बनती है 1 plus x square, इसको बच्चों मान के चलो तो ये बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी बन रही है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम लोगों से ये बोला जाता है कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के समय टेबल बनी रहती है, आप आगे से उठा के देखिए ना तो उसमें दे रखा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, तो याद रखना 1 में से जब भी कुछ माइनस हो रहा हो, कोई भी वेरिएबल दे रखा हो पुट करना हो तो वहां पुट कर सकते हैं साइन या कॉस, जब भी 1 के साथ एडिशन हो रहा हो तो वहां हम पुट कर सकते हैं एक्स की जगह टेन थीटा या तो कॉट थीटा, जब भी माइनस हो रहा हो 1 तो एक्स की जगह या तो सेक पुट कर सकते हो या तो कॉसेक पुट कर सकते हैं। तो इन आइडेंटिटीज को याद कैसे किया जाता है आपकी बुक में लिखी रहेगी, ये ऐसे लिखी रहती है बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी आपको ऐसी आइडेंटिटी दे रखी हो ए को 1 मान के चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर याद कर लो ये रहा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी वो वाली कंडीशन में हम लोग एक्स की जगह बच्चों या तो क्या पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। पहले नंबर की बच्चों बात हुई है, फिर लिखा रहेगा आपको कल को दूसरी आइडेंटिटी दे रखी होगी बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है आता, तो देख लो प्लस वाली है बच्चों प्लस में कौन पुट होता है या तो टेन थीटा पुट होगा बच्चों या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अब बोलोगे सर आप ए स्क्वायर क्यों लगा रहे हो, कल को हो सकता है बच्चों यहाँ पे 1 ना हो कोई और नंबर हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या पुट कर सकते हैं एक्स की जगह ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं या ए कोसेक थीटा, अब पुट करने का पर्पस भी ये है ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा होगा तो ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है तो बच्चों एक्स बराबर ए टेन थीटा होगा तो ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, आपको फॉर्मूले के थ्रू याद करोगे तो इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और होती है बच्चों फोर्थ नंबर की, अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, उल्टे कर दिया तो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आप खुद देख लो 1 के साथ, अभी मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 1 प्लस साइन एक्स का ही बताया बच्चों cos x y 2 plus sin x y 2 का whole square और 1 minus sin x का बताया था cos x y 2 minus sin x y 2 का whole square, तो इन फॉर्मुलों में हम लोग cos भी पुट कर सकते हैं sin भी पुट कर सकते हैं, तो आपकी बुक में लिखा होगा a cos 2 theta, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना a cos theta और a sin theta ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगता हो उस पर एम लिख लेना मनु सर, तो ये वाला बोर्ड में अप्लाई करना, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी कहानी थी हमारी सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले की, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बता दिया, कल को कौन सी आइडेंटिटी होती है किसके हिसाब से कैसे पुट करना है। चालू करो बच्चों आपके एंसर के क्वेश्चन चालू करते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने बहुत पूछा जाता है, फिर आपको पता चलेगा कैसे कैसे पुट करना है और आपकी एक्सरसाइज बच्चों डिफरेंशिएशन की सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है, समझ रहे हो। और सीबीएसई ने क्या लिखा हुआ है अपने सिलेबस में,
अगर टीचर्स को लगता है कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आगे से रिलेटेड है, तो उसको पढ़ा लिया जाए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर खुद पूरा पढ़ाना है, ठीक है। हमने सिलेबस कम कर दिया अपने एक बचाव के लिए, तब बच्चा नहीं बोल सके। बच्चा तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता, हम पूछ पूछ क्यों जाते हैं, तो नहीं बोलता तो क्या बोलेगा, क्यों। क्वेश्चन कराओ बच्चों, कुछ पैटर्न है, बड़े ध्यान से देख लेना जरा उनको। और बच्चों आपको ये नहीं दी तो पता ही है बच्चों, ये तो मेरे ख्याल से किसी एक को भी नहीं छुट्टी नहीं होनी चाहिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस की कर लेते बात, प्लस वाले में ज़्यादा फायदा होता है। एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ऐसे बच्चों पता है आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है बच्चों। चलो करो क्वेश्चन, आप क्या क्या हो तो चलो चलो करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पूछाऊँ, बहुत सिंपल सा करा दूँ, करो सिंपल सा, चलो सिंपल सा दे लेते हैं काम, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करूँ बेटा, हर जगह ऐसा नहीं होता कि टेन पाई फोर माइनस सीधा से काम चल जाए, कुछ जगह कंडीशन जैसी जैसी चेंज होती है तो उनके हिसाब से वर्क करना पड़ता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, टेन इनवर्स रूट के अंदर एंगल में दे रखा है हमारा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। आप जब भी क्वेश्चन करो साथ में बगल से आइडेंटिटी लिखते चलो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आप तक क्वेश्चन करोगे सब आइडेंटिटी आपको याद रखी होंगी, समझ रहे, सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में दो तरीके हैं, या तो आपको पर्टिकुलर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा हो तो वैल्यू पुट कर दो, अगर नहीं दे रखा हो तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, साइड से लिख देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, कि वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू एंड वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है, उससे पता चले कौन कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। और बेटा जो मक्का ही दे रहा है कृपया करके मक्का ही देना बंद कर दें, समझ रहे हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर बच्चों चलने का कार्यक्रम, क्या दिक्कत है, वन माइनस कॉस एक्स फटाफट जैसे ये आ जाए क्लिक करना चाहिए फटाफट, टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, लो भाई टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। वन प्लस कॉस एक्स बच्चों कितना होगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, समझ जाओ। वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस टू से टू भाई सब क्या हो गए, धराशाही हो गए। अगर आप देखें यहाँ पे टेन इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बच्चों कितना होता है, टेन स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट से एक काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर से बाहर गया बच्चों साइन एक्स वाई टू, और कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा कॉस एक्स वाई टू। अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, टेन इनवर्स टेन साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों, टेन एक्स वाई टू, बाहर टेन इनवर्स टेन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक तरीके से मान लो ये एक दूसरे से कट गए बोलने के लिए, आंसर कितना आ गया बच्चों एक्स वाई टू, कितना आ गया बच्चों आंसर एक्स वाई टू आ गया, ठीक है। अब पता है कैसे क्वेश्चन आया कल को, ये डिफरेंशिएशन दे रखा होगा, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये y बराबर दे रखा होगा, अब बोला जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus x square। अब आप अगर ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट करने लग गए, पहली बार तो टीचर वैसे ही काट देगा गलत हो गया, अब खुद पागल हो गए सो अलग, पहले tan इनवर्स का करोगे फिर रूट का करोगे फिर 1 minus cos x upon 1 plus cos x, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, समझ रहे हो कितना दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अब जब आप सिंप्लीफिकेशन जानते हो गए तो ये आ गया बच्चों एक्स वाई टू, और आपको पता है एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है 1 बाई टू, आंसर हो जाएगा इसका 1 बाई टू, लेकिन कब, जब आपको सिंप्लीफिकेशन पता होगा तब हो जाएगा, समझ रहे। तो डिफरेंशिएशन वाले में नहीं कराऊंगा ये पार्ट, वहां तो सीधे सीधे ये बता दिया ये आ गया आंसर हो गया, ठीक है, ये समझाया इसलिए जा रहा ना, कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी। पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब तुम देखते चलना कैसे मजा आएगा। लो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, ऊपर हो गया प्लस नीचे हो गया माइनस, अब कर लोगे, देखो हल्का हल्का मिटाना पड़ेगा, हल्का बोर्ड में करने का पर्पज भी यही था। वन प्लस कॉस एक्स कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स पर एक्स वाई टू, वन माइनस कॉस कितना होता है साइन एक्स पर एक्स वाई टू,
कॉस ऊपर आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और यहाँ नीचे बच्चों कितना आ जाएगा साइन एक्स बाई टू, ठीक है। कॉस अपॉन साइन बच्चों कितना होता है कॉट। अब आंसर ये नहीं आएगा बच्चों। अब यहाँ पे बाहर टेन इनवर्स है अंदर कॉट है, तो हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। एक तरीका तो ये है, इसको डाल बच्चों ये तो याद रहेगा वन प्लस कॉस एक्स, और नहीं याद होता है तो मैं हाथ में लिखवा लेना। वन प्लस कॉस एक्स बराबर कितना होता है टू कॉस पर एक्स वाई टू, वन माइनस कॉस एक्स कितना होता है टू साइन पर एक्स वाई टू। अब हमारे पास बेटा दो तरीके ये हैं, आप एक तरीका तो ये जानते हो कि टेन नाइनटी माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों कॉट थीटा होता है, ठीक है। और एक आप प्रॉपर्टी जानते हो, चलो पहले इससे करा लूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया टेन इनवर्स इसको चेंज कर दिया, ये है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है टेन नाइनटी माइनस थीटा, थीटा चेंज कितना हो गया बच्चों एक्स बाई टू, टेन टेन इनवर्स उड़ गया बच्चों आंसर कितना आ गया फाइव बाई टू माइनस का एक्स बाई टू, ठीक है। ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूले पता होते हैं तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आप 10 तरीके सोच सकते हैं उस चीज को, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये भी आंसर सही है। दूसरा तरीका समझ लो, इसका फायदा ये है कि कल कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपकी जब मर्जी आएगी आप आके पढ़ सकते हो, कल को देख सकते हो भाई कैसे क्या था। आप लोगों ने दूसरी आइडेंटिटी बच्चों पढ़ी हुई है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है बच्चों पाई बाय टू। अगर बच्चों यहाँ से मैं टेन इनवर्स एक्स की बच्चों वैल्यू निकालूँ कितनी होगी पाई बाय टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स इस पूरे को बच्चों अगर मैं क्या मान के चलूँ एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई बाय टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स की जगह आ गया, कॉट से कॉट इनवर्स क्या हो गया निपट गया बच्चों आंसर कितना आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। बोलो कैसी लगी, कैसी लगी जोरदार की मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कसम से। बोलो बच्चों प्यारे बच्चों नो प्रॉब्लम आगे बढ़ू, चले करने को बेटा और भी तरीके हैं, टेन इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स आ जाए अंदर सब कुछ ही कार्यक्रम कर लोगे, कॉट इनवर्स होता तो कॉट इनवर्स होता निपट जाता एक्स वाई टू आ जाता, कल को अंदर बाहर कॉट इनवर्स होगा अंदर टेन होगा तो टेन को कन्वर्ट कर लोगे कॉट में, दो तरीके ये और ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए चार, समझ रहे हो, इसे कहते हैं एक तीर से चार निशाने कर लेना आपके सब। नहीं तो बच्चा क्या होता है आलस मोड में चला जाता है फिर बोलता है अब मैं क्या करूं, ठीक है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी ले लूं जिससे आपको थोड़ा सा फील फुल आ जाए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लू कि नहीं लू, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। कम से कम एक्सरसाइज तो निपटेगी आपकी। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सोचो सीबीएसई बोर्ड में धमाका कर दिया इसने आके, ठीक है। क्या दे रखा बच्चों 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। और बगल से कंडीशन लिखी हुई थी, वो कंडीशन इसलिए दी जाती है ताकि फंक्शन हमारा उसकी रेंज में रहे, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी इस तरीके से ड्राइव है, उन्होंने आपको बिल्कुल टेंशन नहीं दी है, उन्होंने बोला बेफिक्र होकर आप फॉर्मूला पुट कर दो खत्म करो बाकी रेंज का काम हमने संभाल लिया है, ठीक है। अब देखो यार बेटा कैसे प्रूव करना है, आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, एलएचएस भी लेके चलो आरएचएस भी लेके चलो दोनों को इक्वल ले आ दो, या एक तरीका यह है कि ये बड़ा पोर्शन है ये छोटा पोर्शन है तो बड़े पोर्शन को लेके चलते हैं छोटा वाला प्रूव कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे लेके चला आरएचएस, सीबीएसई बोर्ड में आया था छोट छोटी और एक दो बार नहीं दस्तक दी, कई बार दस्तक दी इसमें मैंने बच्चों ये ली, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको ये खुद देखना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, कई बार बच्चा ये सोच लेता बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन पुट कर दो, 90% केसेस में चल जाता है, बट 10% केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ये कंडीशन चलती नहीं है, तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो फटाफट कर लोगे। तो यहाँ पे जरा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं, ठीक है। अच्छा तो साइन 3 थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है।
बच्चों अगर यहाँ पे इसको अगर मैं x बोल रहा हूँ, इसको अगर x मान के चल रहे हो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x क्यूब, दिख रहा है बच्चों? तो समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पुट करना। अब जहां पे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हम लोग इन्वर्स में क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते हैं। तो यहां मैंने लिखा नाउ पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल्स टू साइन थीटा बच्चों जब मैं पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों? याद रखो आपकी कॉपी तो नीचे नीचे चलेगा, मेरे तो साइड से चला रहा हूँ, मेरी बड़ी तो मेरी तो बड़ी वाली कॉपी है, ये कॉपी छोटी पड़ जाती है बच्चों कई बार। साइन इनवर्स बच्चों ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, साइन थ्री थीटा का। अब फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे बाहर और अंदर क्या हो, सेम हो, ये निपट जाएंगे बच्चों। क्या बचेगा, 3 थीटा, और थीटा बच्चों अगर हम लोग मान के चले, आपने इसको माना था एक्स बराबर साइन थीटा, यहाँ से बच्चों अगर मैं थीटा निकालू आपको बताइए इधर जाता है, जाते हैं मतलब कहने के लिए जाता है, एक्चुअल में नहीं जाता है, तो थीटा कितना आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ बच्चों हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स एंड विच इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। बोलो कैसी रही, अच्छी रही, मजा आ रहा है, ठीक बच्चों उड़ा दो इसको। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था, वो था 3 कॉस इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ था बच्चों, मैं यहाँ लिख दूं, तुम लोग लिखवा के मानोगे, लो कराई लिखा हूँ, बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है, 3 कॉस इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है बच्चों? लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे, बड़ी वाला उठा लो साइड, RHS क्या था बच्चों, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, बोलो विशाल बाबू, पुट x बराबर cos थीटा, क्योंकि ये cos पुट करोगे तभी ये cos की आइडेंटिटी बनेगी, और बाहर भी क्या है cos इनवर्स तभी वो बैठेगा, लेकिन आपको देख के ही चलना बेटा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो तुम साइन पुट कर रहे हो, ये आइडेंटिटी किसकी बनती है उस कंडीशन में चलता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, और मैंने क्या कहा था 90% केस में ऐसा हो जाता है कि बाहर कॉस इनवर्स दिख रहा है तो बच्चा कॉस पुट कर देता है, काम हो जाता है, लेकिन 10% केस में ऐसा काम नहीं होता। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos इनवर्स ये फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चों, cos 3 थीटा का, इससे निपट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालोगे तो ये बच्चों कितनी होगी cos इनवर्स x, तो यहाँ से ये हो गया 3 cos इनवर्स x व्हिच इज इक्वल्स टू LHS, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला बगल से लिख देते हैं हम लोग फटाफट, जितना आपका पेन चलेगा उतनी आपकी मैथमेटिक्स चलेगी, मैथमेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेन चलेंगे, सही है, हटा दो बच्चों इसको। चल ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा, आगे बढ़ो बच्चों, एक बार में इतने सारे क्वेश्चन उठा देंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन बात बच्चों पांचवें नंबर का, एक्सरसाइज 2.2 का ये पांचवें नंबर, ये घटिया घटिया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, देख लो, 10 इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब देखो ना यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, समझ रहे, यहां क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पुट करेंगे, तो आपको याद आना चाहिए बच्चों 1 प्लस, अब 1 प्लस में दो ही चीज होती है, या तो टेन स्क्वायर होता है या तो कॉट स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 के साथ ना साइन बनेगा ना कॉस बनेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे यहाँ पे टेन पुट कर दो चाहे कॉट पुट कर दो, अब उसमें भी एक चीज होती है टेन पुट, अब वो आपको देखना पड़ेगा बेटा प्रैक्टिस से आएगा आपको कि कौन सा पुट लेके चलूँ मैं जिससे आंसर जल्दी आ जाए, दूसरे वाले को लेकर चलोगे तो एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे, बस ये अंतर आता है और कुछ नहीं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x बराबर tan थीटा, अब आप देखोगे पता है आपको मैंने लिखवाया था बच्चों a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
तो मैंने बोला था यहाँ पे पुट करते हैं x बराबर a tan थीटा, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, ये 1, तो x बराबर कितना हो गया tan थीटा, गॉट इट? बोलो हाँ, बोल दो प्यारे बच्चों, वाह हाँ, ठीक है, मैंने पुट किया बच्चों tan थीटा, अब देखो यार, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है, मजा आ जाएगा देखना तुम। 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों कितना होता है, पूरा मोहल्ला जानता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, क्या मैंने कहा ना, आप क्या है जब भी क्वेश्चन करो साथ में लिखते हुए चलो, और कोई ये नहीं सोचो बेटा ये आपके डिफरेंशिएशन में काम करेगा, इंटीग्रेशन में काम करेगा, थ्रू आउट कैलकुलस में चलता रहता है हमारा ये, ठीक है, तो इसको जितनी जल्दी अपना लोगे उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है बच्चों कितना sec स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा बच्चों कितना आएगा sec थीटा, माइनस 1 अपॉन बच्चों क्या होगा tan थीटा। कोई इस भूल चूक में ना रहा है कि कल को मैं cot पुट करता तो कोई अलग आंसर आएगा, tan पुट करो चाहे cot पुट करो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, अगर लो इसको, इसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा बच्चों, लाल स्याही से लिख दे tan इनवर्स, आप इसको सॉल्व करोगे sec किसका वैसे ही होता है बच्चों cos का, sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos, इतना तो पढ़ के आए हो, tan थीटा बच्चों इतना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बोलो हाँ या ना, अपॉन अच्छा नहीं बनाया मैंने, अच्छा नहीं, ठीक बच्चों, इसका बच्चों ऐसे मिलो tan इनवर्स, ये cos बच्चों डर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड में बच्चों साइन थीटा अपॉन क्या हो गया बच्चों कॉस थीटा, ठीक है, इस कॉस से बच्चों एक कॉस क्या हुआ धराशायी, अगला स्टेप पे आ गया हमारा टेन वर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कल को डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन लिख के चलाएगा दफाक ऐसे लिख के चलाया, अब इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे ये कंडीशन आई, कल को हो सकता है इसका उल्टा दे रखा हो, समझ रहे हो, सकता है उनको प्लस दे रखा हो, तो बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, लेकिन आप बेसिक जानते हो ना तो आपके लिए कोई भी कंडीशन बन रही है कोई टेंशन नहीं, इसको नोट कर लिए बच्चों, हटा दो आपकी आज्ञा हो तो हटा दें इसको, चलिए बच्चों अगला स्टेप इसके बाद क्या होगा वो देखें आप, अगला स्टेप बच्चों यहाँ पर ही होगा, मैं यहाँ लिख दूँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज देखो यहां, अभी मैंने आप लोगों को बच्चों फॉर्मूले लिखवाई थी याद है आपको, हरी कलम से लिख दूं, हरी कलम 1 प्लस cos x लिखवाया था बच्चों 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बोलो हाँ ना, कल को थीटा हो जाएगा बच्चों तो ये कितना हो जाएगा बच्चों थीटा बाई 2, कोई डाउट किसी को, अच्छा हम लोगों ने साइन एक्स का फॉर्मूला ही पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था बच्चों 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अभी थोड़े से क्वेश्चन लेंदी लेंदी जाते हैं तो बट ऑन कॉपी नहीं हो पाते, ठीक है, ऑन कॉपी इतना मजा नहीं आता, ठीक है, तो बोर्ड पर कराना सही है तो कुछ सीख लोगे, ये होता बच्चों कल भाई यहाँ पे साइन की जगह बच्चों थीटा हो जाता तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बोलो कोई डाउट, उठा के सीधे फॉर्मूला पुट कर देना है, कोई सोच रहे नहीं बच्चों ज़्यादा, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये कितना होगा बच्चों 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, हर जगह ये फॉर्म लगने बेटा जितनी जल्दी अपना लोग उतना फायदा है। अब क्या होगा बच्चों अगला स्टेप, बच्चों यहाँ पे क्या होगा अगला स्टेप होगा बच्चों tan इनवर्स इस 2 से बच्चों 2 धराशायी हो गया, इस sin से जब आप काटोगे तो एक पावर चली जाएगी, ऊपर बचेगा बच्चों sin थीटा बाई 2, नीचे बचेगा बच्चों cos थीटा बाई 2, और हम बचपन से जानते हैं कि sin अपॉन cos कितना होता है बच्चों tan थीटा, तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों tan इनवर्स, और फिर चेहरे पे क्या आती चमक, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है अंदर है tan, एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल आउट, अब आ गया बच्चों थीटा बाई 2, इसका सही तो 1 अपॉन 2 इंटू थीटा, और अगर आप देखिए बच्चों हम लोगों ने शुरुआत में x बराबर कितना माना था बच्चों tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ये तो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा की जगह पुट कर दो, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन लेके चले थे x में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए x में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए
तो 1 अपॉन 2 थीटा भी चला जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, एंड दिस इज द आंसर। बोलो कैसी रही, बोलो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन आपको? अच्छा था, मजेदार, शानदार, समझ आ रहा, अच्छा लग रहा? चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी कॉपी में क्या करना, इसको लिखना, 1+ कर देना यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब कुछ कर देना। 1+ cos कितना होगा, 2 cos x / 2, ये ऐसे ही खुलेगा, अंदर आ जाएगा cot, cot को कन्वर्ट करना जानते हो, cot बराबर होता है tan 90 - थीटा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर अगला क्वेश्चन क्या करना, इसको उल्टा कर देना, साइन ऊपर 1 - cos नीचे, फिर क्या करना, साइन ऊपर 1+ cos नीचे, फिर क्या करना, जिन जिन में अभी तक सब में tan इनवर्स था उन सब में cot इनवर्स कर देना, आपके पास 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों? 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, देख रहे हो एक क्वेश्चन से कितने शिकार हो रहे हैं, 8 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए, उड़ा दिए। आ रहा समझे, tan इनवर्स था यहाँ प्लस कर लेना, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इनको अभी जो एंगल थे उनको अपोजिट कर दोगे, 4 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब जो tan इनवर्स वाले थे उनमें cot इनवर्स कर देना, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कर लोगे? चलिए चलिए भाई, चलिए अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और करा दूं, यहां था 1+ cos है ना, और ठीक है चलिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 था जो एनसीईआरटी का, वो बच्चों ये था क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/√ के अंदर x²-1। अब खुद बता दो, देखो x²-1 तो x की जगह क्या रखूं कि कोई आइडेंटिटी बन नहीं हो, साइन रखूं कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि 1 - sin² होता ना कि sin²-1 होता है, और ऊपर से रूट लगा हुआ है तो निगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाएगा। टेन पुट कर सकते हैं, 1+10 होता है, 1+cot होता है, तो बच्चे कौन से, sec और cosec, तो sec²θ - 1 कितना होता है, tan²θ, और x = cosec θ कितना होता है, cot²θ, तो यहाँ पर आप चाहें तो x = sec भी पुट कर सकते हो, आप चाहें तो x = cosec भी पुट कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना नजरिया कौन सा लेके चल रहे हो, क्या पुट करना चाहिए। अब जो आंसर जल्दी आएगा वो cosec से आएगा, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊँ, टेंशन मत लो, जब हम हैं तो फिर क्या करना है, तो पुट मैंने किया बच्चों यहाँ पर, मैंने यहाँ पे पुट किया x = cosec θ, आप यहाँ पे sec भी पुट कर सकते हो, मैं भी दिखाता हूँ आपको, वैसे तो आप बहुत तेज हो कर लोगे, तो यहाँ देखिए बच्चों tan इनवर्स 1/√ के अंदर x की जगह बच्चों cosec θ, तो cosec²θ - 1, cosec²θ बच्चों -1 बच्चों कितना होता है, यहाँ लिख दूं tan इनवर्स 1/cot θ, cosec²θ - 1 कितना होता है, cot²θ, √ से बाहर निकलेगा कितना आएगा cot θ, और 1/cot कितना होता है बच्चों, बच्चा है बच्चों 1/cot होता है tan θ, बोलो हाँ या ना, tan इनवर्स क्या बचेगा बच्चों थीटा, x = cosec θ माना है तो थीटा बच्चों कितना आएगा cosec इनवर्स x, बोलो कैसी लगी, बोलो सर ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ धांसू करो क्यों ये बोलोगे, चलो चलो अगर मैं cosec में रख के क्या पुट कर देता sec, अब कहानी क्या कहती बच्चों, यहाँ आ जाता बच्चों क्या आ जाता sec², ठीक है, sec²-1 बच्चों कितना होता है tan, और 1/10 बच्चों कितना होता है cot, ठीक है, और आप जानते हो क्या कि बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स है और cot है, तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे अभी पिछले क्वेश्चन में, या तो आप इसको cot को चेंज करते हो या तो tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा लो, tan इनवर्स + cot इनवर्स वाली, इसको चेंज कर देते हैं tan π/2 - θ, अब ये निपट जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा कितना बच्चों π/2 - θ, अब आ गया π/2 - θ की जगह बच्चों वाली कितनी होगी sec इनवर्स x, कोई बच्चों ये तो लग रहा पिछले वाले में तो cosec इनवर्स था, यहाँ π/2 - sec इनवर्स, ये बोले तो आंसर सेम आया, कैसे भैया कैसे, तो आप लोगों को बेटा ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है sin इनवर्स, सॉरी sin को लिखा हुआ, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मैं साइड से लिखा आपको कॉपी के बिल्कुल राइट हैंड साइड में लिखना है, sec इनवर्स x + cosec इनवर्स x बच्चों कितना होता है π/2,
इस भाई साहब को, इन भाई साहब को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चों कितना आएगा, पाई बाई टू माइनस का सेकंड इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख लो, पाई बाई टू माइनस सेकंड इनवर्स एक्स बच्चों कितना होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों से आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन पड़ गया हमारा, हटा दें। चलिए भाई और क्वेश्चन करना हो तो यार कॉन्टिन्यूस कर देना भाई, क्यों बोले अच्छा यार चल रहा है सर, क्यों आप लोगों का फायदा उठा रहे सर, हमारे लिए तो इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख लो एक मिनट, समय की सीमा कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही, कोई ज्यादा नहीं है। चलिए ये करा दूं जरा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी का, यहां पे लिखता हूं, यहां से कराता हूं, टेन इनवर्स, यहां से देखते समय बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन आते हैं इसमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके भी आर कराएंगे बच्चों, और तुम तोते की तरह बोल रहे होगे। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए बिल्कुल। किसी बच्चों को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि भैया मुझे इसमें डाउट आ रहा है कैसे क्या करना है। अगर मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई वो सभी यूज होनी, कैसे कैसे यूज होती है वो देख लो यार। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, पहले तो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी दे रखा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, इस टाइप से दे रखा है। तो ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, बाहर टेन इनवर्स होगा तो कॉट इनवर्स होगा, और अंदर ये लिखा रहेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, बट वो तो हम बाद में बात करेंगे जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आप ये समझे सिंपल सा, मैं ये बोलता हूँ ये पहले नंबर की पोजीशन है, ये दूसरे नंबर की, तीसरे की, ये चौथे की। तो आप तो अपने दिमाग के अंदर बैठा लो इस तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो है, तीसरे नंबर में जो दे रखा उससे पूरा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों करना है बेटा, वो आपको इसलिए समझ में आएगा बाद में कि वो एक आइडेंटिटी बनती है, got it? ऐसे याद रखोगे, थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है बस बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थर्ड नंबर पे जो एंगल दिख रहा है उसके ऊपर और नीचे क्या कर दो, डिवाइड दिमाग खत्म। ठीक है अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, अगला स्टेप होगा बच्चों टेन इनवर्स, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए इसलिए अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन बच्चों क्या हो गया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अभी देखो अभी तुम उछल जाओगे तुम, वैसे ये क्या चालू कर दिया क्या आपने, कॉस से बच्चों कॉस कट गया वन आ गया, साइन अपॉन कॉस बच्चों कितना होता है टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ही ये फॉर्मूला बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स कितना होता है बच्चों टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स, और वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स कितना होता है टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स। मैं थीटा करके बताया था ये था। ठीक है तो ये कंडीशन कौन सी बननी है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये वाली बनती है, कितना होगा इसका डायरेक्ट लिख दूंगा। अगले स्टेप में आप देखो यहाँ पे हम लोग बच गए पहले सीखने की वजह से, तो मैंने कहा था ऊपर अगर माइनस दे रखा हो करने के और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि और भी तरीकों में कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो बच्चों अगला स्टेप जो होगा उसका ये होगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये बोलता है फॉर्मूला बच्चों इसका, टेन इनवर्स टेन खत्म, क्या बचेगा बच्चों पाई बाय फोर माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है जब हर चीज जरूरी होती है तो पर्टिकुलर आप लोग बहुत सारे तरीके से, हम लोग क्या है जनरली ऐसा तरीका देते हैं जो बहुत ईजी होता है, ठीक है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो देखो यार यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, आपके पास एक तरीका और भी है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर।
तो हर जगह, लेकिन वो है कि पर्टिकुलर उस तरीके से चल नहीं पाता, सब तरीके आने चाहिए आपको। कल को बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये आंसर आएगा डिट्टो, देखना सुन। आपके तरकश में जब सारे तीर होंगे तो फिर तो कोई भी मारो। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी बच्चों, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी की। बच्चों क्या दी थी, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, ये सही थी बच्चों। अब ये देखो बच्चों, टेन इनवर्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। तो देखो टेन इनवर्स टेन इनवर्स, ए की जगह आ गया वन, बी की जगह आ गया टेन एक्स, वन प्लस ए बी, ए बी मतलब यानी कि वन इंटू टेन एक्स। तो इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ कल को कि टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स बी की जगह बच्चों क्या हो गया, टेन एक्स का फॉर्मूला होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आइडेंटिटी है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये मैंने आपको करके दिखाया है, ये पीछे अलाफवाद में चलेगा, आपके ये फॉर्मूला लिखा कॉपी में। इसके बाद का स्टेप बच्चों क्या होगा, आप इसको बोलोगे कि ये आना चाहिए टेन इनवर्स, मैं तो इसको कैसे आ सकता हूँ, मैं टेन इनवर्स ये इसके साथ चला गया, माइनस हो गया, फिर टेन इनवर्स इसके साथ चला गया, तो टेन इनवर्स वन माइनस का टेन इनवर्स और ये हो गया बच्चों टेन एक्स। टेन इनवर्स वन की बच्चों वैल्यू होती है पाई फोर, टेन इनवर्स से टेन एक्स बच्चों चला गया, आंसर कितना आ गया बच्चों पाई फोर माइनस एक्स। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो बच्चों कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना घर पे बैठ के कितने क्वेश्चन लगा पाओ, ठीक है, कोई दिक्कत किसी में बच्चों। कल वो बच्चों अगर ऊपर प्लस हो जाता है नीचे माइनस हो जाता, प्लस नीचे क्या हो गया माइनस, ठीक है, ऊपर प्लस हो गया बच्चों नीचे क्या हो गया माइनस। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, अब फॉर्मूला क्या आता है, टेन इनवर्स पाई फोर प्लस एक्स। अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगा होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन नीचे वन माइनस ए बी, फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, और टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स अपॉन ये क्या लिखा होता है वन माइनस टेन एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स। तो ऐसे आप कर लो बस, टेन इनवर्स एक बार इसके साथ चला गया, टेन इनवर्स इसके साथ चला गया, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अच्छा बच्चों चलो अच्छा ओके, अगर कल को मैसेज देखो अभी निपटा देते हैं, ये तो होगा बच्चों, तो अगर कल को बच्चों यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लिया सबके साथ, ऐसे हो जाए बच्चों कॉट इनवर्स करके समझे, तो फिर आपने वही सेम प्रोसीजर, यहाँ कितना आ गया बच्चों कॉट इनवर्स आ गया, देख रहे हैं यहाँ बच्चों कितना आ गया कॉट इनवर्स आ गया। अब देखो अब इस तरीके से नहीं जा सकते क्योंकि आपको कॉट इनवर्स वाली आइडेंटिटी नहीं पता, पता होती तो आप डायरेक्ट बना देते। तो इसमें फिर हमारा काम कौन करेगा, वही टेन पाइवस फोर माइनस थीटा वाला कार्यक्रम चलेगा बच्चों। इसमें कार्यक्रम कौन सा चलेगा बच्चों, इसमें कार्यक्रम चलेगा हमारा, तो कॉट इनवर्स लिखेंगे बच्चों अंदर, ये वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा बच्चों फॉर्मूला किसका होता है, टेन पाइवस फोर प्लस थीटा, थीटा की जगह एक्स आ गया, बाहर कॉट इनवर्स है अंदर टेन है, तो आप क्या करोगे बच्चों टेन में कन्वर्ट कर दो, टेन थीटा कॉट नाइनटी माइनस थीटा, थीटा के बच्चों कितना आ जाएगा पाई फोर प्लस एक्स। इसमें कोई डाउट किसी भी बच्चे को, कॉट इनवर्स से कॉट चला गया बच्चों क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस का पाई बाई फोर, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव, नाइनटी में से फोर्टी बन जाएगा बच्चों कितना बचेगा फोर्टी फाइव माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो अगर कॉट इनवर्स आया था तो फिर हमारी कहानी नहीं चल पाएगी टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स बी वाली, तो कोई नहीं हम लोग ही जानते हैं इसको पुट कर देंगे आंसर। कल कॉट इनवर्स दे रखा बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बोला सर ये तो मजाक चल रहा है, तो आप जब सीख जाओगे तो फिर मजाक ही लगेगा, चेंज हो गया बाहर कॉट इनवर्स से प्रोसीजर सेम है बच्चों। अब क्या करना है आप लोगों को, ये ऊपर वन माइनस टेन दिख रहा है, तो वन माइनस टेन वाला बच्चों फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, यहाँ पर टेन पाइवस फोर माइनस थीटा का, यहाँ पर बस क्या चेंज होगा बच्चों, ये चेंज हुआ नेगेटिव को ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर कितना आ गया बच्चों पाइवस फोर प्लस एक्स, ठीक है। कोई डाउट बच्चों किसी को भी, किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है, बता दो इसको। चलिए आज की क्लास का हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं,
और पहले बच्चों आप लोग पॉज करके पहले आप खुद देखिएगा, खुद सॉल्व करना उसको और फिर मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है भैया, एक काम करते हैं फटाफट निकलते हैं, ठीक है बच्चों, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, इट्स अ गुड।